वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन. आई एम अपूर्वा पुरोहित और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जिनके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को लर्नर्स को कन्फ्यूजन रहता है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है ये चीज़ें, तो आपको बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल 21 से ही डिराइव्ड है दोनों चीज़ें. लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्ड आपको कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र नहीं आएगा. तो एक पॉइंट जो मैं लिख सकती हूँ वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी मेंशन नहीं है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको मेंशन मिलेगा. दूसरा पॉइंट, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हम लोगों ने ब्रिटेन से उठाया कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस से उठाया गया कॉन्सेप्ट है. ये तो हुए एकदम बेसिक बातें कि अच्छा ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये यूएस से लिया गया है, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. लेकिन ये होता क्या है, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को. प्रोसीजर का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना. तो इंडिया में अगर हम लोग लॉ मेकिंग पावर देखते हैं तो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास में. किस तरीके से लॉ बनाया जाता है, तो एक पर्टिकुलर हाउस में लॉ को रखा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल को, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, दोनों हाउसेस पास करेंगे, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाएगा, प्रेसिडेंट अपना असेंट देगा, उसके बाद में इन्फोर्समेंट में आएगा. ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो ऑर्डिनरली फॉलो किया जाता है. तो दो सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ये लॉ जो है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है या नहीं है. दो सवाल ये है कि क्या ये लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इंडिया में, पार्लियामेंट. तो क्या ये लॉ पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया, यस. तो क्या पार्लियामेंट ने प्रोसीजर फॉलो किया था, यानी कि वही वाला जो सिस्टम है प्रॉपर वो फॉलो किया था या नहीं किया था, बिल्कुल किया था. तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हो गया हमारा, तो हम इसको एज इट इज फॉलो करने वाले हैं. लेकिन यहाँ पर एक सवाल मिसिंग होता है, वो ये है कि इंटेंट क्या था, पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था. क्या ये लॉ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से है, क्या ये लॉ जस्ट फेयर और रीजनेबल है. इन सारे सवालों का जवाब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देता ही नहीं है, बात करता ही नहीं इन चीज़ों के बारे में. उनका केवल और केवल कंसर्न ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लॉ दे रही है और ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो कर रही है. अगर ये चीज़ें हो रही है तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बिल्कुल वैलिड है. आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. यानी कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. यानी कि अगर कोई प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, उस सिचुएशन के अंदर कोई लॉ बनाकर आप उस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकते हो एक पर्सन से. तो मैडम फिर ये ड्यू प्रोसेस क्या है, जब आर्टिकल 21 में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंशन ही नहीं है, तो हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं. क्योंकि दो मेंशन नहीं है लेकिन इसका इस्तेमाल, इसका इंटरप्रिटेशन आज के समय में होता है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस डेफिनेशन के साथ साथ में समझना. मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो कर रही है. अब ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, अगर उसके लॉ जस्ट फेयर रीजनेबल है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से है, तो वो लॉ बन जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. कैसे मैडम, तो जुडिशरी लेगी इसमें चेक एंड बैलेंस का वर्क. जुडिशरी चेक करेगी कि क्या ये लॉ जस्ट फेयर रीजनेबल है, क्या ये लॉ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के हिसाब से है. तो एक तरीके से मैं आपको बता सकूं तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स का फॉलो हो रहा है, यहां पे नेचुरल जस्टिस के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है. इसके अलावा इंटेंट का ध्यान रखा जा रहा है कि ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इनका इंटेंट क्या था. तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो काफी नैरो है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो काफी ज्यादा वाइड है, क्योंकि यहां पर इंटेंट, नेचुरल जस्टिस, जस्ट फेयर, रीजनेबल सबका ध्यान रखा जा रहा है. एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है तो उसके बाद में उस लॉ को एक छलनी के माध्यम से चेक किया जाएगा कि क्या ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के हिसाब से है, क्या ये जस्ट है, क्या ये फेयर है, क्या ये रीजनेबल है. अगर हाँ तो ये लॉ वैलिड हुआ और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ. लेकिन अगर ये यहीं पे रुक गया तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है और अब हम इसको वैलिड मानेंगे ही नहीं. तो मैडम अगर हम लोग ये फॉलो करते हैं तो ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था बी.आर. अम्बेडकर जी तो चाहते थे कि हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही वर्ड इस्तेमाल करें और यूएस का वर्ड ही अडॉप्ट करें. लेकिन उस टाइम पर सर कृष्ण अलादी अय्यर के द्वारा और मेजोरिटेरियन ओपिनियन ये रहा था कि अगर हम लोगों ने ये शब्द का इस्तेमाल किया
तो काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, काफी सारे विवाद क्रिएट हो सकते हैं और बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन हो जाएगा. तो हम लोगों ने स्टिक किया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से. लेकिन इस वर्ड के कारण काफी इश्यूज इरप्ट होने लगे, जो कि 1978 में अंत हुआ. 1978 में मैडम क्यों अंत हुआ? 1978 से पहले क्या हो रहा था? 1978 से पहले नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का पालन नहीं हो रहा था. बहुत सारे केस लॉस थे जहां पर हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग प्रकार के आर्बिट्री लॉ आ रहे हैं, उनको जस्टिफाई किया जा रहा है कि अच्छा ठीक है, बस लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कह दिया, बस इतना काफी है. 1978 में आता है मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है कि हमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को इंटरप्रेट करना है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह. तो इवन दो आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मेंशन है, लेकिन एक केस के द्वारा जो कि मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1978 का केस है और आर्टिकल 21 का सबसे ज्यादा लैंडमार्क केस है, इस केस के बाद में हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ में समझने लग गए. अगर मैं केवल अभी के सेशन का आपको एक क्रक्स दूं, तो आपको केवल ये समझना है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में केवल दो क्वेश्चन उठते हैं. पहला ये कि क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉ है? यस. तो बाद में क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने प्रोसीजर का पालन किया है? अगर यस, तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो गया. इसी के साथ में अगर आप एडिशन करते हो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का, जस्ट फेयर और रीजनेबिलिटी का, ये सारी बातें जब पिक्चर में आती है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बनता है. यानी कि ये बहुत ही नैरो है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है, ये ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है, ये हमारा यूएस के द्वारा दिया गया है. नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को सुप्रीम रखा जाता है. और आपको साथ में केस लॉ याद रखना है 1978 का, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. ऑल राइट, आपके लिए एक मॉक टेस्ट आने वाला है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि 25 मार्च 7 बजे होगा. आप अमेजोन वाउचर जीत सकते हो, इसमें ज़रूर एनरोल करना. इसके अलावा मेंस का बैच यूपी और छत्तीसगढ़ के लिए 25 तारीख से चालू हो रहा है. कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिंकिंग फॉर एडिशनल डिस्काउंट. रैपिड रिवीजन बैच बिहार, गुजरात और उत्तराखंड के लिए 25 मार्च से ही स्टार्ट किया जा रहा है. लिंकिंग रेगुलर बैच चल ही रहा है. इसके अलावा स्पेशल क्लास की फीचर्स आप जानते हैं. अगर आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं. मेरा प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. इसके अलावा ये सभी सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, कोड है लिंकिंग. And that is it. Thank you so much. अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस फॉर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच.